अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जनाब आइसक्रीम खाने लगे हैं हम, जो उस दिन की हमने बचा के रखी हुई थी हमारी बकेट लिस्ट में। तो आ गई, और इसकी मैंने शॉर्ट्स भी बनानी है, क्योंकि तारे मैंने बोला है कि अब दोबारा से शॉर्ट्स बनाने लग जाओ। तो शॉर्ट बन गई है, और अब ज़रा ये सर्व कर, सर्व भी हो गई, उन जाके फड़ानी है। मंगवाना तो नहीं आपने भाई साहब? तुम्हारे पास पैसे कितने तुम बता रही है? तुम्हें पता है? मुझे क्या पता कितने हो सकते हैं मेरे पास? 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ये क्या 25? 1500 चार है, ये चार बोल पड़ी है। 1500 कंफर्मेशन कर दें अब आप। 4 लाख चार नोट है इसके पास, 5-5 वाले तो मेरे पास चार है। क्या? चार डिजिट है, 4000 रुपये आप पे। तो उस दिन मैंने दिता सी, मैं 5000 सोच के बैठी थी, जब मैंने गिने तो 4000। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। स्कूल से आ गई हूँ, मैं मामा के साथ जाने लगी हूँ बाजार। वैसे थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी फील हो रहा है कि मैं फजूल में जा रही हूँ, फजूल खर्ची करने, लेकिन और फिर मैंने कहा नहीं चलो चले ही जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हाथ में पैसे रहे तो फिर मैंने वो खा जाने हैं। लेट्स गो बाजार टू करिंग सम फजूल खर्ची। हाँ जी, तो पहले मुझे कोई जूती वगैरह देखनी है अगर पसंद आई। अभी जनाब मामा के शूज़ की कलेक्शन चल रही है, मतलब सिलेक्शन, सॉरी पता नहीं कौन से, मैंने तो देखे नहीं, लेकिन इन्होंने सेल हटा दी है, उसके बाद तो मैंने ले ली। दोबारा आऊँगी तो लूँगी, तो ये पसंद आया। मुझे कुछ स्टॉलर्स नज़र आ गए, तो जो स्टफ़ मुझे पसंद था उसी कलर का मैंने ले लिया, ग्रे। और ये जो कढ़ाई कर रही थी मामा, वो धागे कम पड़ गए थे, तो एक ये लिया है और एक और बोला। तो फिर शाम की स्नैकिंग के लिए चटर पटर पापड़ वगैरह ले लूँ। पूरे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि मेरी जूती नहीं मिली, और जब चीज़ ना मिले तो फिर वापस फिर रोना भी आ जाता है, ऐसी सिचुएशन। ये था टोटल सामान जो मैं लेने गई थी, और मुझे लगता है सामान से ज़्यादा तो मेरा किराया लग गया। ये रिक्शे चिंचियों का, इसमें क्या है, वही जो उधर चीज़ें ली हैं, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग थोड़ी बहुत। खोल जा, मैदा लिया था मैंने, क्योंकि जो पिछला मैदा पड़ा हुआ था ना, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे, सुसरियाँ वगैरह। साथ ब्राउन शुगर, ये सेवइयाँ जो के उबली भी खाते हैं पापा, बल्कि साहब भी खाते हैं सालन के साथ, ये फाफड़, और ये स्पैगेटी, और ये सूखी मेहंदी जो देसी घरानों में माएँ घोल के सर पे लगाती हैं फॉर कलर, तो ये उस लिए है। इसमें क्या है, ये क्या है, हाँ ये वो धागा। और ये स्टॉलर लिया है मैंने, एक्चुअली जो मैंने पहले लिया था स्टॉलर, और कौन सा, ये वाला, इसका मुझे ना स्टफ बहुत पसंद आया था, तो मैंने उसी के साथ का एक और ले लिया है ग्रे कलर में। तो ये और मामा का ये शूज़ जो कि मैंने पहले दिखाया, और बाद में भी मुझे जेलसी होने लग गई कि मैं भी भला इसी के साथ का ले लेती। हाँ किला एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, मतलब इतने भी नहीं थे महंगे कि मैं अफोर्ड नहीं थी कर सकती, लेकिन मैं बहुत महंगी चीज़ें नहीं लेती, तो फिर इसलिए मैंने ना नहीं लिया वो। और ये जो मामा का, ये 1800 का आया है, अगर मैं ये ले लेती तो ठीक था, लेकिन मैंने नहीं लिया। अब खैर कुछ देर और गुजारा करेंगे।